पैटर्न लर्निंग चैनल यानी कि आपका अपना चैनल प्रस्तुत करता है फॉर्मूलाज फॉर हैप्पीनेस यानी खुश होने के सूत्र, सुखी होने के सूत्र। करना आपको क्या है कि इन सूत्रों को सुनना है, समझना है और फिर इनका सदुपयोग करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं फॉर्मूलाज के साथ में। पहला है कि बीता हुआ वक्त हमारे आज के यानी वर्तमान के वक्त को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको शांतिपूर्वक दफन कर दीजिए ताकि आप वर्तमान में शांतिपूर्वक रह सके। यानी कि मेक पीस विथ योर पास्ट सो इट वुड नॉट डिस्टर्ब योर प्रेजेंट। वर्तमान में रहना सुखी होने की सबसे बड़ी श्रेष्ठ चाबी है। आप सुखी होने का ताला वर्तमान में रहकर खोल सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर भूतकाल को यानी पास्ट को भी साथ रखेंगे तो आप सुखी नहीं होंगे। इसलिए आज ही इनको दफन कर दीजिए और फिर गड़े मुर्दे न उखाड़ने का संकल्प ले लीजिए, बस आप सुखी होने की राह पर हैं। दूसरी बात है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं या क्या करते हैं, ये उनका काम है। अगर ये काम हम करने लग जाएंगे तो वो क्या करेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस संदर्भ में इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जरूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। और अब बात आते हैं वापस कि व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये आपका काम नहीं है तो आप क्यों करते हैं? समस्या तभी खड़ी होती है ना जब उनका काम है वो हम करने लग जाते हैं, तो फिर हम हमारा काम कब करेंगे? इसलिए दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। सुखी होने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। तीसरी बात आती है, समय सबसे बड़ा चिकित्सक है और समय के साथ हर घाव भरता है। आप ये तो मानते हैं कि घाव चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो, समय के साथ भरता जरूर है। भूलने की एक प्रक्रिया शुरू होती है और समय के साथ हर चीज़ हम भूलने लग जाते हैं। अगर हमें दुखी कर देने वाली कोई चीज़ है या कोई घाव है और वो टीस मन में पैदा कर रहा है और उसे हम भूल रहे हैं, तो उस भूलने वाली प्रक्रिया में साथ दीजिए। उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा सा वक्त दीजिए ताकि आपका अच्छा सा वक्त आ सके। यानी टाइम हील्स एवरीथिंग, गिव इट टाइम। फिर बात आती है, या गलतफहमी हमने जो पाल रखी है वो ये है कि हमारे सुखी होने का या हमारे दुखी होने का कारण कोई और है। ये गलतफहमी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हमारे सुखी होने का या हमारे दुखी होने का अगर कोई कारण अन्य है यानी दूसरी जगह है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? तार्किक तौर पर भी तो ये ठीक नहीं बैठता ना, फिर तो हम सुखी हो ही नहीं सकते, हम तो उनके हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह जाएंगे। इसलिए सुखी होने का सूत्र हमारे हाथ में है, यानी हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं और इसी तरह हम अपने आप को दुखी भी बना सकते हैं। ये अगर चीज़ हमारे हाथ में है तो फिर हम वही करेंगे ना जो हम चाहते हैं, यानी हम सुखी होना चाहते हैं, तो फिर नो वन इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। आपके खुश होने का या खुश रहने का कोई अन्य कारण नहीं है और अन्यत्र भी नहीं है, आपके अंदर ही है और आप ही हैं। इसलिए आप इस गलतफहमी से जितना जल्दी छुटकारा पा लेंगे उतने ही जल्दी सुखी हो जाएंगे। एक और बात है कि जो चीजें आपको दुखी करती है उनको आप छोड़ते चले जाइए और तो फिर आप सुखी होने की राह पर अपने आप स्वयं में आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर देखिए कि हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या क्या है कि हम अपने जीवन की तुलना किसी अन्य के जीवन से कर देते हैं, ठीक है, और दूसरों के जीवन को हम जज कर देते हैं बिना ये जाने कि वह किन परिस्थितियों से गुजर रहा है या गुजर रही है, उसका जीवन किस स्थिति परिस्थिति के चलते इस तरह के मोड़ तक आया है या यहां तक आया है, और यही चीजें हमें दुखी बनाती है। इसलिए डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, दूसरों के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट जज देम, यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर जर्नी इज ऑल अबाउट। यानी कि उन्होंने जीवन की जो यात्रा की है वो यहाँ तक आई है, इसको तो हम जानते ही नहीं और हम जज करना शुरू कर देते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करा। इस संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
उनको देखने के लिए जो भी वीडियोस आए नए अपडेट्स जानकारी आप तक पहुंच जाए।